हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। या वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th का जो मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हल सहित हम लोग समझेंगे, जो हल के साथ और इस क्वेश्चन जो आपके इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जो आपके 2022 में मॉडल पेपर जारी किया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर आपका मैथ अधूरा रह जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे और आपके जो न्यू मॉडल पेपर हैं और जो आप लोगों का इससे पहले के मॉडल पेपर हैं उन सारे से बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर देखते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ये जो 2021 का न्यू मॉडल पेपर आया है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो न्यू मॉडल पेपर अभी जारी हुआ है जस्ट, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ऑप्शन ए है आपका 14.35 एंड बी है 31.93 एंड सी है आपका 18.25 एंड डी है 32.62। तो इसमें से आपका कौन सा सही है ये आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है, लेकिन ये आपका मॉडल पेपर 2022 में आया है इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो बताओ इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका 18.25 है ना, ये एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो 18.25 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी 2022 का जो न्यू मॉडल पेपर अपलोड किया गया है उसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। अगर मूल समान है और ये आपका 2022 का जो न्यू मॉडल पेपर है उसी में ये क्वेश्चन दिया है, तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करो। और आपके पास ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 9 एंड डी है 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताओ जरूर, अगर आप लोग जानते हो। नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां आपको पता है मूल समान है, यहां आपका एक समीकरण दिया हुआ है 3x² - 6x + k = 0। यहां आपका ए क्या दिया हुआ है, ए आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है एंड वी आपका जो एक्स का गुणांक है -6 एंड सी आपका कितना है के, ठीक है। और यहां अगर मूल समान है, पहले ही लिख दिया है क्वेश्चन में, लिखा है ना मूल समान है, मैं आपको सॉल्व करके समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम। तो यहाँ जो विविक्तर है, विविक्तर वो शून्य हो जाएगा। आप लोग विविक्तर पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, विविक्तर को डी से प्रदर्शित किया जाता है, वो शून्य हो जाएगा। तो अब आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जान जाओ b² - 4ac, ठीक है। और यहाँ बराबर d होता है लेकिन d हमारा शून्य है, यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ देखो v² यानी कि -6 का स्क्वायर कर लो एंड -4 * a का मान है 3, यहाँ देख लो 3 है और ये v का मान -6 रखा गया है, और k = 0, ठीक है, ये मॉडल पेपर में दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये 36 हो जाएगा, ये -12k हो जाएगा = 0, और यहाँ से -12k हो जाएगा और इधर से मैं 36 को ट्रांसफर करूँगा, -36 हो जाएगा और k का मान आएगा -36/12 माइनस में और k का मान आएगा 3। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर आपका 3 जिस ऑप्शन में हो वही सही है, k का मान यहाँ 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ जो k का मान आएगा वो 3 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आप लोग समझो, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था, उसी से लिया गया है कि बिंदुओं 5.0 और -12.0 के बीच की दूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। ए ऑप्शन है 5, बी है 7, सी है 13 एंड डी है 17। तो यहाँ आप कैसे निकालोगे, दूरी निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। डी इक्वल टू मैंने क्या बताया था, x1 - x2 का स्क्वायर कर लो एंड यहाँ प्लस कर लो y1 - y2 का स्क्वायर कर लो। अब यहाँ d बराबर आप लोगों को x1 x2 ये सारे तो पता ही होंगे, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ठीक है। तो x1 आपका यहाँ क्या है, 5 है ना, एंड माइनस है, ये माइनस x2, तो यहाँ माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे,
इसका स्क्वायर कर लो, एंड प्लस वाई वन भी यहाँ जीरो है एंड वाई टू भी जीरो है, देख सकते हो यहाँ वाई वन जीरो है वाई टू भी जीरो ही है। तो यहाँ आप लोग d बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट एंड आपका 5 एंटा हो जाएगा 17 का वर्ग, और वर्ग आपका अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ आपका आएगा 17 इकाई। तो यही आपका सही हो जाएगा, 17 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से आपका ये d नंबर ऑप्शन सही है 17, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे और मैं आपको 6 के 6 करा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि इसमें से आपके बहुत सारे आ जाएं। लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर है, a ऑप्शन है 1, v ऑप्शन है 9, c ऑप्शन है 8 एंड d ऑप्शन है 0। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ लिखा क्या है आपका 9 sec स्क्वायर ये माइनस 9 tan स्क्वायर ये, यही तो दिया हुआ है। ओके समझ में आया, यहां से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, दोनों में 9 है तो 9 को मैं कॉमन ले लूंगा 9 को, ठीक है, sec स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये, ठीक है, समझ में आया, यहां से मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब आपको एक काम करना है, यहाँ जो sec a sec स्क्वायर ये लिखा हुआ है, यहाँ एक आपका क्या है सर्वसमिका है कि sec स्क्वायर ये जो होता है, यहाँ मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, sec स्क्वायर ये जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ये, 1 प्लस tan स्क्वायर ये याद रखना। ओके याद रखोगे ना, थोड़ा आप लोग याद रखना ताकि कहीं भी आए तो आप लगा दो। तो यहाँ sec स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है sec स्क्वायर, यहाँ भी sec स्क्वायर ये, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ये, और फिर आपका क्या बचेगा माइनस tan स्क्वायर ये बचेगा ना, तो यहाँ आप बराबर लगा लो, यहाँ से tan स्क्वायर ये माइनस में है tan स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा ना, फिर यहाँ आपका 9 इंटू 1 बचेगा, तो यहाँ से आप लोग बराबर में आपका 9 आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से 9 आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ आपका 9 जो है ना सही हो जाएगा। ओके तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझना होगा आप लोगों को, कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना है 72 सेंटीमीटर, इसका व्यास होगा, व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, त्रिज्या का आप दो गुना कर दो व्यास हो जाएगा, लेकिन अब हमें त्रिज्या भी ज्ञात करनी होगी, कैसे ज्ञात करोगे, फिर तो मामला फंस जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, पहले तो आपका परिमाप तो दिया ही है, कुछ तो दिया है, तो अर्ध वृत्ताकार, ठीक है, अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप दिया है ना, चांद का परिमाप, ओके परिमाप कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 72 सेंटीमीटर ना, 72 सेंटीमीटर, चलो इतना तो आपको पता चल गया, लेकिन अब यह आप लोग लिख सकते हो कि अर्धवृत्ता जो अर्धवृत्ता का चांद का परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर प्लस 2r बराबर 72 लिख लो, ठीक है, अब यहां से r आप कॉमन ले लो, फिर यहां ये पाई है, पाई का मान होता है 22/7 एंड प्लस यहाँ 2 रहेगा, मैंने r को केवल कॉमन लिया है 72। अब यहाँ से अगर r बराबर केवल r बराबर देखा जाए तो यहाँ ये जो है 7, ये देखो समझना, पहले इसे आप सॉल्व कर लो, यहाँ 1 मान लो, सॉल्व कर लो, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ 22/7 प्लस 2/1, देखो इधर 22 हो जाएगा एंड प्लस 7 हो जाएगा, नहीं 14, 7 × 14/7, तो ये आपको जुड़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड 3 ये 36/7, ठीक है 36/7, यहाँ आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 36/7। ओके अब ये देखो इधर 72 लिख लो, अब यहाँ r बराबर आप लिखोगे, यहाँ देखो ये हो जाएगा 72 और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 7, और ये ऊपर है तो ये नीचे 36 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कुल मिला के आपका ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 36 × 72 तो 7 × 14 आएगा, लेकिन अभी हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि इसका व्यास क्या होगा, तो अगर व्यास निकालना हो तो मैंने बताया है कि व्यास जो होता है ना
वो आपका जो त्रिज्या होता है उसकी दो गुनी होती है। तो त्रिज्या आपकी कितनी दी हुई है, 2 × 14, तो यहाँ आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये हमारा व्यास हो जाएगा। तो यहां से आप लोग व्यास ज्ञात कर सकते हो और उसका आंसर आया 28 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहां निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये मॉडल पेपर 2022 में जो न्यू जारी किया गया है मॉडल पेपर, उसी में से ही लिया गया है मॉडल पेपर। थोड़ा सा आप ध्यान दो अपनी लाइफ पर, अपने स्टडी पर, क्योंकि तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, तो फिर आप लोगों का काफी अच्छा नंबर भी आएगा। यहाँ लिखा हुआ है माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती वो होता है आपका मानक विचलन। क्या होता है, मानक विचलन। ये तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है। अब हमारा आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन आई होप कि आपको जितना क्वेश्चन 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है उतना समझ में आ गया। आपको पेपर में जैसा मैंने दिया है वैसा ही पूछा जाएगा। अब हमारा आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म जो है 2x-3y=8 एंड 4x-6y=9 संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, आपको ये बताना है जो आपका दिया हुआ है ये संगत है या फिर असंगत है। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप समीकरण लिख लो, जो हमें समीकरण दिया हुआ है लिखा है 2x-3y=8 और दूसरा समीकरण है 4x-6y=9, यही तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन हमें बदल कर लिखना पड़ेगा। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। ये दिया हुआ है लेकिन हमें लिखना इसको ऐसे है, देखो 2x-3y और ये जो 8 है इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेना है, और बराबर 0, आपका बराबर 0 होना चाहिए, इसको भी उस साइड ट्रांसफर कर लेना है। 4x-6y और -9=0, ये मैंने आपको बता दिया, समझ में आया। अब यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें ए वन क्या है, बी वन क्या है, ए टू क्या है, बी टू क्या है, ठीक है, एंड सी वन क्या है, सी टू क्या है, ये सारी चीज़ें पता होगा जो आपका ये समीकरण है। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ ए वन, ए वन क्या है, ये जो एक्स का गुणांक है पहले समीकरण का वो ए वन है, ए टू क्या है, जो दूसरे समीकरण का एक्स का गुणांक है वो ए टू है। अब वी वन क्या है, आपको पता चल गया होगा वाई का गुणांक यानी कि 3, और वी टू क्या है, वी टू ये हमारा 6 है। अब भैया सी वन क्या है, सी वन आपका ये जो है माइनस लेकर चला जाएगा -8, और सी टू क्या है वो -9। समझ में आया, बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझोगे। तो यहां से अब आपको लिखना है ए वन बट्टे ए टू, तो ए वन बट्टे ए टू यानी कि 2/4, और 2/4 को लिखा जाता है 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब आप कॉमा लगाओ और वी वन बट्टे वी टू लिखो, वी वन हमारा है 3/6, तो इसको भी काट कर 1/2 किया जा सकता है, यानी कि ए वन बट्टे ए टू और बी वन बट्टे बी टू बराबर ही हैं। अब सी वन बट्टे सी टू, इसे लिखा जा सकता है -8 -9, इसे ना काटा जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है। अब यहाँ देखो ए वन बटे ए टू वो बराबर है बी वन बटे बी टू का, क्योंकि 1/2 इसका भी मान है, 1/2 इसका भी, तो यहाँ ए वन बटे ए टू ये बराबर किसके हैं, बी वन बटे वी टू के, बट ये जो है ना ये इसके बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू के। और अगर आपको ऐसा ऐसा चीज दिखे ना तो वो आपका जो है दिया गया समीकरण असंगत होगा। ये जो आपका समीकरण है ना, समीकरण असंगत है, क्या है, असंगत है, ठीक है, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। तो अब आप बता सकते हो ना दिया गया समीकरण कैसा है, संगत है असंगत। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु उत्तरीय का। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और तथा 60 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां आपको इसके क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। फर्स्ट मैटर, अगर भुजा दिया होता तो भुजा का वर्ग करके हम लोग उसका क्या निकाल लेते, क्या
क्या निकाल लेते, क्षेत्रफल निकाल लेते, ठीक है, जो उसके भुजा का वर्ग होता। बट यहां थोड़ा सा आपको मेथड समझना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर आप लोग कैसे निकालोगे, एक थ्योरम है जो कि आप लोगों को पता है या नहीं पता, मुझे भी नहीं आप लोगों को पता है, लेकिन अब आपको बताता हूं कि जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले हम यहां लिख लिख कर समझाऊंगा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज जो समरूप होते हैं, सीधा लिखा हुआ है ना यहां, यहां दो समरूप त्रिभुज या त्रिभुजों के जो परिमाप होते हैं, परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप दो त्रिभुज है तो परिमापों का अनुपात, का अनुपात सदैव, सदैव मतलब हमेशा, कभी चेंज नहीं हो सकता, सदैव उनकी संगत, उनकी संगत जो संगत, ठीक है, भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के अनुपात अनुपात के बराबर होती हैं, के बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहां क्या कहा गया है कि हम जानते हैं कि जो दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप होता है उसका अनुपात, जैसे दो समरूप त्रिभुज हैं उनका अनुपात कर लोगे तो सदैव उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती हैं। अब यहां क्या कहा गया है, एक त्रिभुज का परिमाप, यानी कि एक जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप बटे में आपको लगाना है दूसरा त्रिभुज का परिमाप, या दूसरे त्रिभुज का परिमाप, ओके, एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप, ये बराबर होता है एक त्रिभुज की भुजा, जो त्रिभुज की भुजा होती है, एक त्रिभुज की भुजा, ठीक है, बटे में आपका होगा जो दूसरे त्रिभुज की भुजा, जो दूसरा त्रिभुज होता है, यही तो बताया गया है, दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है। अब यहां जो आप चाहे से भुजा कहो जो आपका ये दिया हुआ है, और चाहे से आप परिमाप कहो, तो यहां आप वही लिख सकते हो कि एक त्रिभुज की भुजा, यही चीज आप नीचे फिर से लिख लेना, एक त्रिभुज की भुजा, यहां आगे लिख लेना एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, तो ये है 40, फिर से मैं लिख देता हूं, एक त्रिभुज की भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की भुजा, ये 40 बटे आपका दूसरा क्या है 60, और इसे अगर आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको मैं बता दूं, अगर इसका भैया क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसी भुजा का वर्ग कर लो, जो इसकी भुजा दी हुई है, भुजा का वर्ग यानी कि 2/3 का वर्ग कर लो, और आपका 4/9 वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, 4:9 यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो कि एक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्ग करो दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग, देखो एक भुजा का वर्ग किया ना, एक भुजा जो आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्ग किया, फिर दूसरे त्रिभुज, फिर इसका जो आपका अनुपात आएगा यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझना होगा आप लोगों को ध्यान से, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा। लिखा हुआ है यदि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस आपका 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री है, जहां जो 2a है न्यून कोण है, क्या है 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान होगा, अब यहां a का मान ज्ञात करना है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। यहां क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है tan 2a जो है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, किसके बराबर है a माइनस 18 डिग्री। अब एक बात समझना, इसी जो tan 2a है ना, इसको लिखा जा सकता है cot 90 डिग्री माइनस 2a, अगर आप चाहे इस tan 2a को लिखो cot 90 माइनस थीटा, ये थीटा है जो 2a लिखा हुआ है, ये थीटा है,
और बराबर आपका कॉट ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यही चीज मैंने नोट कर दिया है। अब देखो यहां से आपका कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, यहां बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a और बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब इधर आप 2a, इधर आपको a को पक्षांतर करना है, और इधर माइनस 18, इधर आपका ये प्लस 90 है ये, तो इधर आएगा माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री ये हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा 108 डिग्री। माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा और a बराबर आपका आएगा 108/3, कट करने के बाद आपका 36 डिग्री आएगा। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 36 डिग्री, ए का मान क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिग्री। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो पूरे ए की वैल्यू। समझ में आया, ये है हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको ध्यान से समझना था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो ये बहुत ज्यादा वीआईएमपी है और आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखने में बड़ा है, छोटे हिस्से में समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लघु उत्तरीय कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है एक विशेष दिन। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन जो है निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुनी, जो बर्तन की संख्या है उसकी 2 गुनी से 3 अधिक, 2 गुना भी करना है और उसका 3 अधिक भी करना है। और यदि उस दिन जो है कि कुल निर्माण जो है 90 रुपये थे, 90 रुपये थे, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, आपको बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी हो, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, तो बर्तन की संख्या एक्स मान लो और प्रत्येक नग की लागत आप वाई मान लो। ठीक है, वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझना यह है, जो आपकी बर्तन की संख्या आएगी, जो आपकी बर्तन की संख्या आएगी, ठीक है, वो और नग का जो पैसा आएगा ना, वो क्या होगा, बर्तन की संख्या की 2 गुनी से 3 अधिक होगा। अगर वो जितना आंसर आएगा उसका 2 गुना से 3 अधिक उसका भी आंसर आएगा। जैसे आपको मानना क्या है, माना माना जो बर्तन मतलब निर्मित निर्माण किया गया ना, तो निर्मित निर्मित बर्तनों की संख्या, किसकी, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या। ठीक है, तो इसे आप x मान लो, क्या मान लोगे, x मान लो। फिर दूसरा आपको मानना है तथा प्रत्येक नग का लागत, तथा जो प्रत्येक नग है ना, प्रत्येक नग की लागत वो आपका रहेगा पैसे में, और उसे आप वाई मान लो। ठीक है, वाई मान लिया गया और इसे एक्स मान लिया गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलो, मतलब प्रश्न अनुसार आप चलो, तो फिर क्या कह रहा है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यहां आपको समझना है कि यहां जो वाई है, वाई बराबर है वो 2 गुनी से, जो ये बर्तन की संख्या है, ये जो बर्तन की संख्या है इसकी 2x यानी कि 2 गुनी से 3 अधिक है। ठीक है, ये इतना बता रहा है, इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो। और तथा आपसे दूसरी बार क्या कह रहा है, दूसरी बार क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल लागत रुपया जो है 90 हो। देखो जो बर्तन की संख्या है और नग, इन दोनों को गुणा कर दो, नग का रुपया, तो वो आपका कुल 90 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब देखो यहां जो y का मान है ना, यहां रख लो y का मान आप रख लो। ठीक है, तो यहां x है और यहां आप y का मान 2x+3 है बराबर 90 है। ठीक है, अब यहां x से गुणा कर लो यानी कि 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर 90। अब 90 भी इधर ट्रांसफर कर लो, 2x² + 3x - 90 बराबर 0 कर लो। अब आपको एक फैक्टर बनाना है जो कि जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 19 आना चाहिए। तो
तो वो क्या है आप लोग सोच लो खुद से। तो अगर आप किसका करोगे सोच लो, नहीं आपका इससे मल्टीप्लाई होगा ना ये जो गुणांक है इसका इससे, क्योंकि ये जो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और आपको मन में रखना है। तो 180 हो जाएगा, तो गुणा करने पर 180 और जोड़ने घटाने पर कितना 3। तो अब आप लोग कैसे करोगे जानते हो, यहाँ 15 में से आप 12 घटा लो बस आपका आ जाएगा यहाँ एक्स माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से 2x² प्लस 15x एंड माइनस 12x एंड माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से आप क्या काम लोगे, यहाँ से आप काम ले लो x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ से आप माइनस 6 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी 2x ही बचाना है एंड प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से आपका x माइनस 6 एक आ जाएगा ब्रैकेट में और 2x प्लस 15 एक आ जाएगा, यही तो आएगा। अब एक मान तो आपका x बराबर 6 आ जाएगा क्योंकि अगर आप इसको बराबर 0 रखोगे, और एक मान आएगा x बराबर माइनस 15/2, ये हमारा दूसरा मान आएगा माइनस 15/2। ये कैसे आया सोच रहे होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो x माइनस 6 है इसको बराबर 0 रखना है तो ये x बराबर 6 हो जाएगा ये एक ब्रैकेट वाला, और ये जो लिखा हुआ है 2x प्लस 15 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से 2x बराबर माइनस 15 हो जाएगा एंड x बराबर माइनस 15/2। ये दोनों यही से लिया गया है, ये दोनों फिर इतना आ गया, लेकिन ये आपका अमान्य है जो ये है ऋणात्मक वाला, ऋणात्मक वाला अमान्य है, इसका कोई मान नहीं है। तो यहाँ x बराबर 6 सही है, लेकिन x बराबर 6 हमें क्या मिला है, ये मिला है बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है नग की लागत। तो नग की लागत मैंने कहा है कि यहां आप चलो हमें y का मान ज्ञात करना है ना, तो यहां समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दो, समीकरण एक से आप करो तो समीकरण एक में आप x का मान रख दो, y का मान आ जाएगा। तो यहां x का मान आपका 6 है, तो यहां 2 × 6 + 3, मैंने कहा था उसका 2 × 3 अधिक यानी कि 15 रुपये। बर्तनों की संख्या आपका 6 है, बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है और रुपया कितना हुआ 15 रुपये, ठीक है। तो जो बर्तनों की संख्या होगी वो 6 होगी, मैंने x माना था देख लो यहां निर्मित बर्तनों की संख्या, और जो नग का लागत है ना उसे y माना था, तो y का मान हमारा आया है 15 रुपये। तो ये है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एनसीईआरटी का है, विथ आपके कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से समझना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग पहले पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं लगा पाते हो तो फिर मैं आपको एक एक स्टेप समझाने वाला हूं, ठीक है। तो फिर आप लोग जरूर लगाने की प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो देखो यहां प्रश्न क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक क्या है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चित्र बनवा दूंगा अभी, ठीक है। और दोनों ओर आमने सामने क्या है, समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, मतलब समान ऊंचाई है, एच एच है, ठीक है, दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए, जो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, ऊंचाई भी ज्ञात करना है और दूरी भी ज्ञात करना है। चलो फिर हम लोग आप लोगों को बताते हैं कैसे ज्ञात करोगे। पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए, एक 80 मीटर का सड़क बनाओ। पहले देखो यहां मैंने 80 मीटर का सड़क बना लिया, ठीक है, इसकी जो दूरी है ना वो 80 मीटर है, क्या है 80 मीटर, ठीक है, समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बीच में एक बिंदु है R, R है ना, R है, अगल बगल खंभे लगे हुए हैं भैया, ये एंड ये दोनों खंभे हैं, ठीक है, अगल बगल समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई मतलब दोनों एकदम बराबर ऊंचाई के हैं, यानी कि अगर मैं इसे यच मानूंगा तो इसे भी यच ही मानूंगा, इसको मैं ए नाम दूंगा, इसको बी नाम दे दूंगा, ठीक है, ए वी और ये आर है। अब यही सीधा कह रहा है कि यहाँ बीच में एक है मतलब बिंदु है और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण होगा, ये उन्नयन कोण दोनों का दिया है,
ये उन्नयन कोण दोनों का दिया हुआ है, सेम ऐसा ही चित्र है, और ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। सभी का नाम दे दो, ये आपका P है और ये आपका Q है, बस और तो कुछ नहीं। अब देखो पूरा तो 80 मीटर है, पूरा 80 मीटर है। अब भाई हमें यहां से यहां तक और यहां तक की दूरी बताइए, ठीक है पूरी। तो अब आपको बता दूं, इसको आप x मीटर मान लो, और अगर मैंने इसको x मीटर मान लिया तो इसको क्या कहोगे, y? नहीं, 80 है, पूरा 80 है, तो 80 में से अगर हम x घटा देंगे, 80 में से अगर हम x मीटर घटा देंगे तो हमारी ये दूरी तो पता चल जाएगी ना, तो ये आपका हो गया। क्योंकि ये x है तो x मतलब ये x जितना इसका मान आएगा उसमें से आप इतना घटा लोगे 80 में से x को, तो फिर आपका ये जो दूरी है ये आ जाएगा। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं। फिर आपको यहां लिखना है कि माना पी ए तथा क्यू बी समान ऊंचाई एच मीटर के दो खंभे जो सड़क की चौड़ाई ए वी के शिरो क्रमशः ए और वी पर स्थित है। इनकी जो आपका P एंड A है एंड Q एंड V है, ये समान ऊंचाई के दो खंभे हैं जो यहाँ और यहाँ A और B पर लगे हुए हैं। A और B के सिरे AB पर स्थित हैं। खंभों की सीध में सड़क के किसी बिंदु R, यहाँ R एक बिंदु है R, दोनों खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण है या फिर कोण जो है उन्नयन कोण क्रमशः आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण बनाते हैं। ये बस इतना आपको समझना है। अब आपको भाई त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज क्या लेना है, कुछ नहीं, सबसे पहले आप करो क्या कि यहां आप लोग एक समकोण त्रिभुज लो, जो आपका समकोण त्रिभुज, और दो त्रिभुज बनेंगे क्योंकि यहां दो कोण है इसीलिए दो त्रिभुज काम करेगा। तो यहां तब समकोण त्रिभुज PAR में सबसे पहले हम लोग लेंगे PAR ये वाला और 60 डिग्री वाला, ठीक है, P एंड A और R। तो यहां आप लोगों को लिखना है टैन टैन और आपका 60 डिग्री है, क्योंकि ये लंब जो है और ये आधार आपको दिया हुआ है, और लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का, तो टैन का, ठीक है, लंब आपका है P एंड ये और आधार क्या है A एंड R। तो यहां से इसका मान हो जाएगा √3 और इसका मान हो जाएगा H/x, यानी कि H बराबर आपका हो जाएगा √3x। ये आपको पता चला। अभी हमारा X का मान ज्ञात करोगे तब फिर पूरा पता चल जाएगा। अब आप लोगों को तथा, अब दूसरी बार आपको त्रिभुज लेना है, तथा त्रिभुज QVR में, यहां आपका QVR है, ठीक है। अब यहां आपको टैन 30 डिग्री लेना है क्योंकि टैन 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहां लंब जो है वो क्यू वी है और आधार जो है क्यू वी है ना, और आधार आपका है 80 - x, ये वाला आधार है, यहां आपका एच बटे 80 - x हो जाएगा, एच बटे 80 - x। और यहां टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 नहीं होगा, टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होगा 1/√3, और ये आपका लिखा हुआ है H/80 - x, ठीक है। अब यहां से आप H की वैल्यू ज्ञात कर लो, H की वैल्यू अगर आप ज्ञात करोगे तो H बराबर आपका हो जाएगा 80 - x बटे जो ये √3 है ना, ये √3 वो नीचे हो जाएगा बस। अब एक बात देखो, इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण फर्स्ट और इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण सेकंड, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब यहाँ हमें एक काम करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तुलना, यानी कि समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा दूसरे। देखो यच और यच यहाँ बराबर है, यच यहाँ भी है और यच यहाँ भी है, तो यहाँ आप एक बात लिख सकते हो, देखो मैं अलग से समझा रहा हूँ, यहाँ √3x लिख सकते हो, वो बराबर हो जाएगा 80 जो आपका ये है, 80 - x/√3, 80 - x/√3। अब यहाँ से आप x की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो, यहाँ आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x हो जाएगा बराबर 80 - x, यहाँ से x अगर इधर ट्रांसफर कर लोगे तो +x हो जाएगा बराबर 80, और यहाँ 4x हो जाएगा बराबर 80, और यहाँ x बचेगा तो यहाँ 80/4, और इसे अगर आप कट करोगे तो क्या बचेगा 20 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू तो हमारी 20 मीटर आ ही गई है, क्या आया है 20 मीटर।
तो यहां हमारा 20 मीटर आया है x की वैल्यू। अब आपको समीकरण एक में x का मान रख दो, जो समीकरण एक है यहां से हमें ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि समीकरण एक में अगर हम x का मान रखेंगे तो ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक में यानी कि h बराबर, यहां आपका क्या लिखा हुआ है, एच बराबर रूट थ्री एक्स, एच बराबर रूट थ्री एक्स। अब यहां एच बराबर आपका 20√3 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 20√3, या फिर यहां रूट थ्री का आपका मान होता है 1.73 इंटू आपका इसका 20 आया, और इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा 20, और इधर है 34.0 मीटर, ये 34.60 मीटर। तो यहां से आप पूरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो भाई, काफी हार्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारी पूरे खंभे की ऊंचाई, और अगर अब आपसे पूछा जाए ये दूरी, तो x की वैल्यू हमें कितना मिली है 20, तो एक यहां बिंदु से इसका जो दूरी आएगा 20 मीटर आएगा, और इसका कितना आएगा 80 - 20 यानी कि 60 मीटर, ये ठीक है। यहां से P और R की, ये P जो आपका V और R है इतना आएगा, और A और R इतना आएगा। तो ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का मॉडल पेपर। अगर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।